Zombie Apocalypse. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है वेस्टलैंड सर्वाइवल की एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज भाई यहाँ पर अपना भाई न्यू अपडेट आ चुका है, जिसमें कि भाई अपना जो समर का फेस्टिवल वगैरह होता है उसके ऊपर भाई अपडेट है। जैसा कि भाई पिछले अपने अपडेट में आया था भाई हैलोवीन वाले पे एंड क्रिसमस वाले पे जैसा इवेंट आया था, वैसा ही भाई सेम इवेंट आया है इस बार भी। तो भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भाई रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे। एंड यहाँ पर भाई उसी तरह से अपने बेस पे ये आ चुका है फ्रेड हैटर एंड ये अपने को भाई जो मेला होता है जहाँ पर मतलब सारे अपने मिशंस वगैरह कंप्लीट होते हैं वहाँ की लोकेशन वगैरह बताएगा। एंड मैं भाई आज एंटर किया सुबह, तो भाई अपडेट आया था 400 कुछ MB का, मैंने तुरंत किया एंड गेम में आया एंड यहाँ पर ये आ गया है। एंड अभी इससे अपने को भाई ये एक्सेप्ट करना है, गो टू दी ईस्टर फेयर एंड अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे एग वगैरह मिलेगा, ईस्टर एग को शायद से उसमें कंट्रीब्यूट करके अपने को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हाई प्रेडेटर ट्रेडर एट योर सर्विस, भाई मेरे को नहीं पढ़ना है भाई, मतलब क्या ही भाई बोलता रहता है भाई, मेले में जाना ही है भाई अपने फेयर फेस्टिवल में, वही वेपन चलते हैं डायरेक्ट। एंड वैसे मैंने भाई अपना ये सारा आर्मर एंड थोड़ा बहुत वेपन्स वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे भाई अपना जो मिशंस होते हैं उनमें भाई एनिमीज आते हैं उनको मारने के लिए, मैं पहले ही भाई रेडी हो गया था। चलो भाई चलते हैं अपने ईस्टर फेयर इवेंट पे। भाई ये 16 दिन का टाइम है, अभी 16 दिन के बाद भाई चला जाएगा ये इवेंट, तब तक भाई अपने मिशन कम्प्लीट करना है और सारे रिवॉर्ड्स कम्प्लीट कर लेने हैं। चलो भाई फ्रेड हैटर आ गया, ओहो थैंक यू भाई, क्या बोल रहा है मेरे को नहीं सुनना है भाई इससे। एंड यहाँ से अपने को भाई सीधे जानना है, यहाँ पर बफलो जिल है इससे अपने को बात करनी है एंड ये अपने को भाई 50 एग दे देगी। चलो भाई पुट द ईस्टर एग इन द बास्केट, भाई बास्केट में अपने को ईस्टर एग डालना है। चलो भाई ये क्या बोलते हैं, वेलकम टू ईस्टर फेयर द बफलो जिल ट्रैवलिंग शो लीड ऑफ फन फॉर ऑल, भाई साहब क्या क्या बोल रही है भाई, मेरे को नहीं पढ़ना भाई इतना सारा। एंड अपने को भाई जो इसने एग दिए हैं ये इस वाले बक्से में डालने हैं जो यहाँ पर बीच में है, तब भाई अपने ये रिवॉर्ड्स अनलॉक होंगे जितने अपन ऐड करते जाएंगे एग वगैरह जो मिलेंगे अपने को। अपने पास 50 हैं तो 50 ऐड कर देते हैं और यहाँ पर लेवल 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, ये वाले रिवॉर्ड अपन क्लेम कर सकते हैं। चलो भाई क्लेम कर लिए हैं और ये अपने भाई जो रिवॉर्ड्स हैं ये मेल बॉक्स में आ जाएंगे एंड ऐसा भाई होगा। एंड ये देखो भाई रिवॉर्ड्स वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पहले नंबर पर फेयर स्वीट है जिससे कि भाई एनर्जी अपनी प्लस होती है 5। एंड ये अपना स्पिन करने का लकी चिप एंड ये पिकैक्स वगैरह एंड ये बनी ईयर का कुछ भाई हैट वगैरह एंड फिर है भाई सिल्वर क्वाइन एंड क्लॉथ एंड ये रग भाई मिलने वाला है, ये थोड़ा बहुत अच्छा है एंड अपन डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं इसका। एंड यहाँ पर लकी चिप है एंड फिर कैंडी एंड वुड, भाई ये प्रीमियम वाला है रियल ट्यूब, ये ठीक ठाक है लेकिन एक ही मिलेगा भाई लेवल 7 पर पहुँचने पर। और ये यहाँ पर चारकोल एंड यहाँ पर ईस्टर का वो हैट है एंड यहाँ पर शॉटगन है, मतलब ये वाली भाई इनका डैमेज वगैरह तो ज़्यादा नहीं है लेकिन ये भाई मतलब इवेंट वाली हैं तो रेयर वाली है मतलब अनकॉमन वाली। एंड यहाँ पर भाई डेकोरेशन का ईस्टर ट्री मिलेगा गमला टाइप का एक कुछ एंड यहाँ पे हैट है एंड फिर है लेवल 5 का निकल और फिर हथौड़ा है भाई ईस्टर मालेट 480 डैमेज एंड फिर है फेयर स्वीट 20 मिलेंगे यहाँ पर कैंडी अपनी जो एनर्जी प्लस करती हैं। एंड यहाँ पर ये यह है फेयर पेपर बॉक्स गन 370 डैमेज की लकी चिप है एंड ये कपड़े हैं, ये शायद से भाई वो इंडस्ट्रियल ट्यूब में जो बनते हैं कपड़े वो वाले हैं यहाँ पे, भाई साहब काफ़ी अच्छी बात है मतलब प्रिगन ड्यूरेबिलिटी 1500 है, लेवल 4 के लगभग के हैं ये कपड़े, लेवल टीयर 3 के। चलो भाई यहाँ पे फ्राइड फिश मिलेगी एंड गन एंड ये भी ईस्टर स्क्रू स्केयर क्रो भाई मिलेगा, ये भी डेकोरेशन में यूज होगा शायद, ये सारी गन्स वगैरह हैं एंड फिर से लकी चिप एंड फिर भाई क्या हो गया भाई सब कुछ कट फट क्यों गया। एंड भाई फाइनल रिवॉर्ड्स भाई नहीं बताया अभी तक एंड यहाँ पर भाई ये गन तक भाई बाद में बताया था एंड फिर यहाँ पर अपने मिलेगा जैकलॉब्स ट्रॉफी, भाई सब खतरनाक सी ट्रॉफी होगी भाई ये वाली
एंड सबसे लास्ट पर है अपने को लायन मिलेगा भाई टीयर 3 का, एंड काफ़ी ज़्यादा भाई खतरनाक रिवॉर्ड है भाई। स्ट्रॉन्ग जीन्स वगैरह होंगे उसके, लायन वगैरह भाई अपने पीछे पीछे घूमेगा अपने पेट के रूप में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो भाई बफलो जल से अभी 10 कम बैक टू जिल। जिल शायद से भाई जो अपने को एक कलेक्ट करवाते थे वो थी, है हन्ना बनी है वो, हन्ना बनी भाई, हन्ना बनी के पास जाना है अभी। चलो भाई ट्रैक को करते हैं एंड रेस को स्किप करते हैं। हन्ना बनी साइट है ये, इसमें भाई मिशन ये देती है जिससे अपन एग वहाँ पे अपन स्पॉन होते हैं और एग वगैरह पड़े होते हैं और काफ़ी सारे बंदे होते हैं वहाँ पे। अपने को 5 एग या 7 एग कलेक्ट करने होते हैं, नहीं तो वो एग दो ही दूसरे लोग उठा लेंगे तो अपना मिशन फेल्ड हो जाएगा। एंड अपन भाई करके दिखाते हैं अभी। चलो भाई ये बता रही है ऐसा कुछ फालतू का, एंड अभी चलते हैं भाई इसके अंदर एंड एग वगैरह कलेक्ट करने को होगा पक्का। देखते हैं भाई एग वगैरह, हाँ यहाँ पे रेडी एंड सेट एंड एग्स। चलो भाई रेडी हो गया एंड उठाते हैं। चलो भाई उठा लो एग जल्दी जल्दी, 5 एग उठाने हैं अपने को। भाई ये बंदा क्या मार रहा है भाई अपने को फालतू में, भाई अपना एग नहीं उठा रहा है भाई, मार रहा है अपने को। चलो भाई 5 एग तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड एक्स्ट्रा एक और उठा लिया मैंने, और यहाँ पर एक है इसको उठा लेते हैं। चलो भाई 8 8 एग उठा लिए हैं हमने, और यहाँ पर ये जो पेड़ टाइप का दिख रहा है भाई इसके ऊपर जाओगे इस तरह से लुढ़क जाओगे। चलो भाई ठीक है, मैं सोच रहा था भाई ग्राफिक्स अपना लो पे तो नहीं है, अपने को सही लग रहा था थोड़ा बहुत ग्राफिक्स कम था। चलो भाई अपन वापस आ गए हैं, अभी इससे अपने को रिवॉर्ड लेना है। रिवॉर्ड ये बफलो जेल देगी अपने को, 10 एग देगी एंड 3 फेयर स्वीट कैंडी देगी। चलो भाई इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। एंड ये अपना अगला है आस्क ब्रिंग्स फॉर डायरेक्शन टू दी विलेज। ब्रिक्स कहाँ पर मिलेगा अपने को भाई, ये फासे ब्रिक्स इधर वाले ये जो क्या भाई बोतल लेकर पी रहा है, ये है ब्रिक्स क्या? बफलो जेल एंड क्या बोल रहे पता नहीं, नहीं ब्रिक्स यहाँ पर है, ये वाला है ओल्ड ब्रिक्स। ये अपने को भाई ट्रेन वाले मिशन दे रहा था भाई पिछली बार में, एंड अभी भाई पता नहीं कौन से मिशन देगा। एंड इसके मिशन भाई हार्ड होते हैं थोड़े थोड़े। चलो भाई अभी अपने को इसके अंदर जाना है, इसके अंदर कोई मारने पीटने वाला मिशन होगा पक्का। देखते हैं भाई कौन सा मिशन आता है इसके अंदर। आवर लेटर ऑन द वेस्टर्न रोड। चलो भाई अपन अंदर तो आ गए, यहाँ पर भाई क्या रखा है, काफ़ी ज़्यादा सामान रखा है। एंड इससे अपने को बात करनी है। एंड हु आर यू, यू डोंट लुक लाइक अ बैंडिट, डिड जिल सेंड यू? वी हैव होल ग्रुप थक अप्रोचिंग, दे वांट टू डिस्ट्रॉय द एग्स, आई एम सीरियस, विदाउट द ईस्टर एग द डील विद द फेयर विल गो शॉर्ट, नो डील नो मनी, सो डोंट जस्ट स्टैंड हियर, हेल्प बिल्ड बैरिकेड्स, वी हैव लिटिल टाइम। मतलब ये बोल रहा है भाई अपने एग जो है यहाँ पर रखे हुए, इनको भाई प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए तुम भाई बैरिकेड बना दो और थोड़ा टाइम वेट करो, वो आएंगे तो उनको मार कर भाई अपने को बचा लेना, तो तुमको मैं रिवार्ड्स वगैरह दूंगा, ऐसा बोला इसने। एंड यहाँ पर है ओपन बिल्डिंग मेनू एंड यहाँ पर है बैरिकेड। चलो भाई बैरिकेड बना देते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर बनाना है एंड यहाँ पर बनाना है। चलो भाई अपना पूरा हो गया एंड अभी अपन गन ले लेते हैं हाथ में कोई, अपन शायद से शॉर्ट से नहीं मार पाएंगे क्योंकि ये जो बैरिकेड बनाए हैं हमने तो इस साइड से कैसे मार देंगे उससे, अरे को शायद से भाई ये इस गन से ही मारना पड़ेगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, टाइप टू स्टार्ट न्यू वेव एंड वेव इस साइड से आई है इस बार, येलो येलो मार्कर है। एंड शॉर्ट से अपन शॉर्ट से नहीं मार पाएंगे भाई, अपने को गन से ही ये वाला मिशन कम्प्लीट करने पड़ेंगे। एंड इधर आया है इस बार एंड एक गया, एंड इस साइड आया होगा इस बार, आया नहीं भाई, आ गया कहाँ आया, आ गया भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के आता है। एंड चलो भाई अपना ये वाला तो कंप्लीट हो चुका है एंड अभी वेव पास्ट, कलेक्टेड 8 लकड़ी मिली अपने। चलो भाई टाइप टू स्टार्ट न्यू वेव करते हैं एंड इधर से आ रहा है अभी। चलो एक गया एंड अभी किस साइड से आएगा, इस साइड से शायद आया, हाँ आ गया। चलो ये दूसरा गया एंड इधर से अभी आएगा भाई, आ जाओ, कितना टाइम लगा रहा है भाई आने में।
चलो आ गया फाइनली। चलो फाइनली यहाँ पर अपना शायद अगली बार होगा फिर। नहीं भाई कंप्लीट हो गया यहाँ पे। एंड दो वेव आ रही थी जिसमें कि 6 एनिमीज को मारना पड़ा एंड ये मिशन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अभी बाहर एंड रिवार्ड लेते हैं भाई अपना। ये वाला मिशन तो भाई इजी था वैसे भाई, ट्रेन वाले में काफ़ी ज़्यादा एनिमीज को मारना पड़ता था, इसमें इतने ज़्यादा एनिमीज को नहीं मारना पड़ा। शायद से भाई जब अपन मिशन करेंगे रियल वाला तब शायद से ज़्यादा को मारना पड़ेगा। एंड यहाँ से लकी चिप अपने को मिल चुकी है एंड अभी अपने को स्पिन करना है व्हील फॉर फॉर्च्यून को। स्पिन करते हैं एंड देखते हैं भाई क्या मिलता है अपने को रिवार्ड। एंड ये है भाई स्पिन ऑफ फॉर्च्यून एंड इसमें अपने को मेन रिवार्ड ये है लकी बैकपैक। लकी बैकपैक ठीक ठाक है एंड कॉइन वगैरह मिलेंगे एंड एग वगैरह एंड चिप वगैरह भाई ठीक ठाक रिवार्ड है। चलो भाई स्पिन कर देते हैं जो इसमें है भाई मोला है एंड पहले में एग मिले भाई 5 अपने को। रिवॉर्ड अपने को मिल चुका है एंड वैसे इससे बात कर रहे हैं कम्प्लीट। एंड काम ओल्टनिक एंड ओल्टनिक कहाँ पर मिलेगा भाई? ओल्टनिक इधर दिखा रहा है एंड ये है ओल्टनिक भाई। ओल्टनिक अपना जो 6 दिन के बाद मिशन देता था 6 या 5 दिन के बाद वो वाले ये मिशन देगा ये बंदा ओल्टनिक। यहाँ से अपन एक्सेस कर पाएंगे, अभी नहीं एक्सेस कर पाएंगे, 5-6 दिन का ये टाइम देगा ढूंढने के लिए फिर अपन एक्सेस कर पाएंगे। तब तो भाई से बात करते हैं। पिस्ट यू लुक स्मार्टर देन दिस फूल्स हैव यू हियर्ड ऑफ द फ्यूरियस बीस्ट द जैकलॉप्स अ नाइटमेयर्स कैन ट्रैप इट विच ह्यूज शार्प हॉर्न दिस एग्स विल डेफिनेटली लिव इट। भाई साहब क्या बोल रहा है, मतलब अपना जो खरगोश है उसके एग वगैरह के बारे में बोल रहा है ये, ढूंढ कर भाई बताएगा अपने को 5-6 दिन के बाद। हाँ भाई यहाँ पर टाइम आ गया, 5 दिन और 12 आवर के बाद बताएगा ये, तभी भाई अपने को ये वाला मिशन अनलॉक होगा। तब तक भाई अपने को ये जो बाकी के मिशन है यही करने पड़ेंगे एंड इसको स्टॉप ट्रैकिंग कर देते हैं। अपने को ट्रैक नहीं करना भाई नहीं तो मार कर दिखाता रहेगा। एंड जॉन कॉन्राड यहाँ पर है भाई, इसके ऊपर ऑप्शन आ रहा है देखते हैं। एंड फाइंड द कैरियर एंड द इंक, ब्रिंग इंक बैक टू जॉन, ब्राइट न्यूज। एंड ये वाला शायद से भाई मिशन न्यू आया है, पहले की वाला मिशन भाई ऐसा नहीं आ रहा था। न्यूज एडिटर जॉन ऑर्डर्ड कलरिंग फॉर द फ्रंट पेज बट द कैरियर गॉट लॉस्ट, डिलीवर ऑर्डर एंड पेंट सम बाई ईस्टर एग। चलो एक्सेप्ट करते हैं इसको एंड ये वाला मिशन देखते हैं। ओह नो इट विल ब्रेक ऑल माई न्यूज, आई फोर श्योर दैट द फेयर विल बी नॉक आउट सो आई हैव ऑर्डर्ड रियर कलर सिंक्स फॉर द फ्रंट पेज, ट्रेडर प्रॉमिस्ड टू सेंड द कैरियर बट नो वरी शोड अप, विल राइट अ स्मैशिंग नोट फॉर अ सच सर्विस, वरना वी द हीरो ऑफ द डे, ब्रिंग मी द इंक एंड आईल पेंट सम एक्स फॉर यू। भाई अपने को ये एक वगैरह पेंट करके देगा ऐसा कुछ बोला है इसने। एंड ये अपने को कहाँ मिलेगा, ब्रिंग इंक्स फॉर जॉन, फाइंड द कैरियर एंड द इंक्स। इसमें भाई कुछ नहीं आ रहा है ट्रैक वगैरह करने का, पता नहीं भाई अपने को कहाँ पे मिलेगा ये इंक वगैरह जो भाई मैं इसके लिए ला कर दूंगा। ये शायद से भाई मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर अपन जैसे अपन वहाँ पे जाते हैं भाई, क्या लोकेशन का नाम मैं भूल गया, जैसे साइप्रस वेल वगैरह पर जाते हैं, जैसे मतलब जहाँ पर सामान खर्च करने जाते हैं वहाँ पर अपने को इंक मिलेगा। शायद से बैंडेड्स लोग घेर कर बैठे होंगे ऐसा कुछ होने वाला है, मेरे को भाई ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। चलो अपन बाद में लेंगे, अगर हुआ तो वही बताएंगे आप लोगों को। एंड ओल्ड ब्रिक्स है यहाँ पे एंड यहाँ पर अपना है सबसे हार्ड वाला ये है एंड फिर उससे ज़्यादा कम हार्ड, मतलब फिर सबसे ज़्यादा कम हार्ड है, अपन सबसे ज़्यादा हार्ड वाला करके देखेंगे बार कैसा होता है पता नहीं। चलो भाई एक हार्ड वाला एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड चलते हैं भाई देखते हैं हार्ड वाले में कैसा क्या होने वाला है। चलो भैया लेटर ऑन द वेस्टर्न रोड एंड अपने को टाइप टू स्टार्ट न्यू वे, बैरिकेड्स नहीं बनाना होगा क्या?
भाई साहब, ब्रैकेट बैरिकेड्स तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ वुड तो है अपने पास। अरे यहाँ पे ट्रिप वायर भी बना सकते हैं अपन भाई साहब। ये लेकिन कैसे बना पाएंगे? शायद से भाई ये एक वेव कंप्लीट करने के बाद ट्रैप वगैरह मिलेंगे, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। एंड चलो भाई अपन यहाँ पे लगा देते हैं ये, एंड इधर लगा देते हैं एक, एंड एक इधर इधर भी लगाना है अपने को भाई, लग जाना। चलो भाई फाइनली यहाँ पे लग चुके हैं, एंड अभी अपन स्टार्ट करते हैं ये वेव। चलो इधर से आने वाला है, अभी आ गया। एंड मर जाना भाई, मर गया। अब इधर से नहीं, इधर से आ रहा है भाई, येलो येलो मार्कर आ गया इस साइड। मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं है भाई करने में, मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी है भाई। पहले वाले जो मिशन आते थे काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, मतलब एक साथ चार पांच को मारना पड़ता था। इस बार केवल एक एक को मारो भाई, अपना कंप्लीट हो जाते हैं वेव पाँच। मतलब पाँच पार आएंगे ये लोग, पाँच पार आएंगे। अभी आ गए, अभी दो दो आए हैं भाई। पहले बार में एक एक आया था, अभी दो दो आए, इधर से आए हैं अभी भाई साहब। मतलब काफ़ी ज़्यादा तगड़े से आ रहे हैं ये लोग भाई। मारना भाई, ऑटो पे नहीं मारता है ये बंदा भाई। मर जाना तो मर जा। चलो भाई मर गया। एंड लास्ट इधर से आ रही है भाई साहब, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। चलो फाइनली ये वाला थ्रेट हो गई क्लियर। एंड अभी ये भाई टाइम इसका कम क्यों हो रहा है बिल्डिंग का? आई डोंट नो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अपन की ट्राइप वायर लगा के देखें एक बार। चलो भाई एक इधर लगा दिया, एंड एक इधर लगा देते हैं, इधर ही सारे के सारे बिछा देते हैं। देखते हैं भाई इसका क्या यूज है। और तो नहीं है भाई, वो शायद भाई टाइम कम हो रहा है, ऑटो स्टार्ट हो जाएगी थ्रीट। हाँ भाई ऑटो स्टार्ट हो गई थ्रीट। ट्रिप वायर से क्या हुआ भाई? कुछ हुआ नहीं भाई, ट्रिप वायर मैंने लगाया था, फालतू है क्या वो भाई? भाई साहब यहाँ पे इसने तोड़ दिया, तोड़ना नहीं था भाई। एंड गाइस यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा भसड़ मच गई है भाई साहब, डिस्ट्रॉयर आ गया। मतलब पता नहीं भाई ये वाला मिशन कम्प्लीट कर पाऊँगा या नहीं, पर काफ़ी ज़्यादा भसड़ मचा दी भाई इन लोगों ने भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। चलो भाई ऐसा से भाई अपना मिशन कम्प्लीट हो गया, गेट रिवॉर्ड फ्रॉम प्रिंस भाई साहब। मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया भाई, पहली बार में कुछ पता नहीं था भाई कैसे क्या होता है भाई। ये ट्रिप वायर मैंने लगाए थे, इससे पता नहीं भाई क्या हुआ अपने को, क्या फ़ायदा मिला पता नहीं। चलते हैं भाई इधर से अपन, एंड अपने को भाई भाई रिवॉर्ड्स वगैरह लेना है। एंड ये लोग भाई यहाँ तक आ गए थे, देखो भाई इनकी बॉडीज वगैरह पड़ी हैं भाई। ये शायद से भाई तोड़ वगैरह नहीं पाए, अगर तोड़ देते तो भाई अपना मिशन फेल हो जाता यहाँ पे। मतलब भाई लेकिन बच गए अपन, काफ़ी ज़्यादा बचे। चलो भाई इससे अपन कंप्लीट कर लिया, एंड अभी अपन दोबारा से करेंगे। एंड तो 25 कॉइन अपने को देने पड़ेंगे। नहीं भाई अभी नहीं करना है अपने को, बाद में अपन देखते रहेंगे। एंड यहाँ पे हन्ना है अपने को, ये क्या हो रहा है भाई साहब? अपना फूड ख़त्म हो गया, इसीलिए भाई वो अपनी हेल्थ कम होने लगी थी। एंड अभी अपन चलते हैं, एंड हन्ना बनी के एक कलेक्ट करते हैं। उससे पहले अपन ये वाला आर्मर पहन लेते हैं, क्योंकि ये वाले आर्मर पहनने से अपनी स्पीड बढ़ जाती है, रन स्पीड इससे 20 बढ़ती है बस, और इससे तो अटैक स्पीड बढ़ती है। अटैक स्पीड का इसमें कोई काम नहीं है। चलो भाई ये वाला भी हार्ड वगैरह अपन एक्सेप्ट करते हैं, एंड देखते हैं भाई हार्ड में अपन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। एंड हार्ड में शायद से भाई कुछ ज़्यादा कलेक्ट करने को होते हैं एक्स। चलो भाई रेडी हो गया यहाँ पे, 9x कलेक्ट करने भाई अपने को। भाई साहब जल्दी जल्दी नहीं कलेक्टर पर, कलेक्ट कर लिया मैंने भाई साहब 8 and 9। अपना भाई पूरा हो गया हार्ड वाला मिशन भी भाई साहब। एक वगैरह कलेक्ट करना भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, अगर आप गिर जाते हो पहले तो भाई आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब पहले में अगर गिर गए स्टार्टिंग में इस तरह से, तो आपको कलेक्ट करना भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वैसे अपना भाई तो कलेक्ट हो गया है, रिवार्ड लेते हैं इससे। चलो भाई ये भी रिवार्ड्स कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे,
एंड अभी दोबारा एक्सेप्ट करने के लिए 25 कॉइन इसको भी देने पड़ेंगे, अभी अपने को एक्सेप्ट नहीं करना है। ओल्ड ब्रिक्स एंड सब कुछ तो भाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड ऐड करना है, ऐड कर देते हैं इसमें। चलो भाई ऐड तो कर दिए हैं दो बार, एंड ये रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं अपन। चलो भाई रिवॉर्ड वगैरह भी कलेक्ट हो चुके हैं अपने। तो गाइस फिर आज का वीडियो पर यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें भाई रिवॉर्ड्स वगैरह मिले थे अपने मेल बॉक्स में आ गए हैं। तो गाइस फिर आज का वीडियो अपन यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने भाई अपडेट के बारे में बात की, एंड 5 दिन के बाद जब भाई न्यू वाला आएगा वो वाला मिशन, तो भी भाई अपन वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए भाई वीडियो यहीं तक रखते हैं। और गाइस ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, इनके साथ अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं वेस्टलैंड्स की किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।